हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मैं आज बनाने जा रही हूँ वाटरमेलन जूस विथ आइसक्रीम। इसके लिए मैं वाटरमेलन लूँगी। वाटरमेलन को थोड़े से भाग को छोटे छोटे चंक्स में काट लूँगी, उसे अलग रख लूँगी और बाकी सारे वाटरमेलन को स्पून की सहायता से अच्छी तरह से निकाल के मिक्सर जार में रखूँगी। अगर आप स्पून से इस तरह से निकालते हैं तो अच्छी तरह से निकल जाता है, ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। आप भी इस तरह से निकाल कर ट्राई करें, आपको भी अच्छा लगेगा। मैं सारे वाटरमेलन को निकाल कर अच्छी तरह से मिक्सर जार में रख ली हूँ। अब इसमें ठंडा किया हुआ दूध डालूँगी और इसे 1 से 2 मिनट ग्राइंड करने के बाद आइस क्यूब डालें और फिर से 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें। अब हमारा वाटरमेलन ग्राइंड हो चुका है। अब हम सर्व करने के लिए 2 ग्लास लेंगे। दोनों ग्लास में कटे हुए वाटरमेलन चंक्स को थोड़े थोड़े डालेंगे और उसके बाद सब्जा सीड जो मैं पहले ही पानी में भिगो कर रखी थी वो 1-1 टेबल स्पून दोनों ग्लास में डाल देंगे। और वाटरमेलन जो मैंने ग्राइंड किया था मिक्सर जार में वो दोनों ग्लास में भर देंगे। अब मैं ये मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम ली हूँ। मैंगो फ्लेवर का आइसक्रीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को जो भी अच्छा लग रहा हो वो फ्लेवर का डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंगो फ्लेवर का ही आइसक्रीम डालना है। दोनों ग्लास में मैं 2-2 स्पून आइसक्रीम डालूँगी। उसके बाद कटा हुआ वाटरमेलन ऊपर से थोड़े थोड़े डाल दूँगी और सब्जी सीड भी ऊपर से थोड़ा थोड़ा सजाने के लिए डाल दूँगी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये गर्मियों के दिनों में पीने के लिए अच्छा रहता है। हमें गर्मी लगती है तो ठंडे ठंडे चीज़ खाने को मन करते हैं। आप ये घर पे बना के आराम से पी सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू देखने के लिए। बाय बाय।